कुछ एक ऐसे भी है जो कि शायद हमारे को इंडस्ट्री में नहीं देखना चाहते हैं। अच्छा जी जी, हमारे ऊपर स्टूडियो में अटैक तक किया गया है। क्या बात कर रहे हैं? जी जी, तो हमारी कहीं पूछ नहीं होती है प्रोग्राम में, हम कोटेशन भरते हैं, हमारे को जहाँ जगह मिलती है हम वहाँ चले जाते हैं। अब आजकल आप देख रहे हैं आज के दौर में कौन से गाने आ रहे हैं, पहाड़ी को हिंदी में मिश्रण हो रहा है, पहाड़ी का पंजाबी में मिश्रण हो रहा है। आर्टिस्ट लोग जो है अपनी ख्याति पाने के लिए कि हमारे को प्रदेश से बाहर भी जाने, लोग इस तरह जो है कल्चर पर असर डाल रहे हैं। अब देखो एक छोटी सी दो पंक्ति निकाली राजीव जी ने, धमाल मचा दिया, मैं खुद परेशान हो गया, क्या हो गया है। डेथ सॉन्ग का क्या आया दिमाग में? डेथ सॉन्ग का सर एक तो ऐसा है कि मेरे को जो है दर्द भरे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो सुरेंद्र नेगी जी कह रहे थे कि बोलो हिमाचल में बास्ता एक ऐसा सिंगर है जिसका डेथ सॉन्ग डीजे में बजता है। एक कल एक कॉमेंट आ रहा था बार बार, IPL कौन जीतेगा। जी जी जी, द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट और ये है एपिसोड 28। एपिसोड 28 के आज के हमारे गेस्ट हैं केवल राम बास्ता, जो कि रोडू के करासा गांव के रहने वाले हैं। पिछले 30 सालों से ये हिमाचली म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं। बतौर लोक गायक इनके बहुत सारी एल्बम्स इन्होंने रिलीज़ कर रखी हैं। इनको डेथ सॉन्ग्स का स्पेशलिस्ट कहा जाता है। जी हाँ, डेथ सॉन्ग्स लिखने में इनको महारत हासिल है। बास्ता जी ने अपनी अब तक की जर्नी हमारे साथ इस एपिसोड में शेयर की है। वो बताते हैं कि कैसे जब एक बार उनकी वाइफ उनसे रूठ कर अपने मायके चली गई थी तो उनके लिए उन्होंने गाना लिख डाला, जो कि बाद में बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। आज भी लोग उस गाने को सुनते हैं। बास्ता जी लगभग 5 साल के बाद इंडस्ट्री में कमबैक कर रहे हैं और कमबैक ऐसा कि सिर्फ 2 लाइनें गुनगुनाई और इन्होंने तहलका मचा दिया। जी हाँ, जिस गाने का आप वेट कर रहे हैं वो इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल केवल राम बास्ता ऑफिशियल के ऊपर इस बुधवार को आपको देखने और सुनने को मिलेगा। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे नए यूट्यूब चैनल THP क्लिप्स और इस चैनल द हिमाचली पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद। सर, द हिमाचली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। केवल राम बास्ता जी आज द हिमाचली पॉडकास्ट पे आए हैं। काफी टाइम से आपको कॉल कर रहे थे हम कि बास्ता जी आइए, आपके फैंस चाहते हैं कि आप पॉडकास्ट में आए, आपके बारे में वो जाने, और मैं भी बड़ा क्यूरियस हो गया आपके बारे में जानने के लिए। जी जी, आपका अभी एक लेटेस्ट गाना बहुत ट्रेंड में चल रहा है जो अभी आने वाला है। जी जी, ठीक है, पहले मैं शुरुआत उसी से कर रहा हूँ। जी जी, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए आपकी ऑडियंस को भी। जी जी, तो ये आपने एक रील बनाई सरगम स्टूडियो ठियोग में राजीव भाई के पास, जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है अभी। जी जी, पहले तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये गाना तो सर मैंने एक्चुअली ऐसे ही मेरे दिमाग में चल गया ऐसे कि भी इस तरह का कोई गाना होना चाहिए कि भी जो कल्चर से जुड़ा हो। तो अब तो काफ़ी ट्रेंड हो गया ना, पहले उस टाइम जो हमारे जो एक गाची पहनते थे और एक चपकन बोलते थे उसको वैसे हिंदी में, और हमारे जो जुड़की बोलते थे। जी, जुड़की, ऊन की जुड़की। जुड़की, हाँ जी। तो उससे मैंने ये चीज़ें मतलब संस्कृति से जुड़ी हुई मैंने इसमें इंक्लूड की भी इस तरह का कुछ हो जाए। तो इस तरह से आम मैं गिब्बा में जुड़ के बाबी रे गाची, मतलब बाबी की गाची पहनती है और मतलब कोई जैसे लव फेयर में कोई लड़का लड़की भाग जाते हैं घर से, रनिंग मैरिज करते हैं, तो वो क्या करती है रात को भागते हो, जो लड़की है वो जो है आमा की वो चपकन पहनती है, जुड़ की जो पहनती है, और बाबी की जो है गाची पहनती है, तब जाके भाग जाते हो। अच्छा, उसके बाद जो मतलब जैसा रिवाज चलता ना जुड़ की गाची का जो हमारा कल्चर है, तो इस कल्चर से जुड़ते हुए मैंने मतलब ये चीज तैयार की है। ये जो गाना है अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। जी जी। जब ये पॉडकास्ट आएगा जी जी, तब तक आपका ये गाना रिलीज हो चुका होगा। जी जी, होपफुली। ओके, तो क्या आप सबसे पहले अपने जो फैंस हैं उनको ये तोहफा देंगे हमारे हिमाचली पॉडकास्ट पे, उसको हमें सुनाएं एक बार गा के। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बागियो डे गुडू बिनता हादड़ी राचे, हाँ मेरे बामे जुड़ के तोए बाबी रे गाचे। इतना ही अभी तक तो इसकी रील्स बनाई है, इससे आगे मैं अभी तक ये बल्कि दो पंक्तियां मैंने कल लाइव में गाई थी, फेसबुक पे लाइव जो हमने किया था, हाँ उसमें गाई थी। और इससे आगे तो ये बहुत मतलब एक नॉन स्टॉप में था ये गाना, इस करके ये थोड़ा छोटा था। तो जब इस मास्टर को मैं घर ले गया, मैंने वाइफ को दिखाया सुनाया कि भी ऐसे इस तरह का, तो वाइफ ने इसको बोला कि इसको और ज़्यादा ऐड करो इसमें एक दो लाइनें, ताकि लोगों का एंजॉय बिना ख़राब हो, लोग इसमें मज़ा लें। तो मैं दोबारा स्टूडियो आया, मैंने दोबारा और इसमें कुछ लाइनें इंक्लूड की। मैं चलो एक और एक सुना देता हूँ आपके पास, इसके आगे का जो और एक दो पंक्ति है उसको और सुना देता हूँ मैं। तो चांबिया मेरे कुखड़ुआ तू गड़े ना बचो, शिगड़ा हुजे गुडुआ तू खोले ना रातो। तो अपने उस लवर के लिए बोलती है कि तू सुबह जल्दी उठी हो कि रात न खोनी चाहिए, और मुर्गे को ये बोलती है कि तू तब तक भांग नहीं दे हो। अच्छा। जब तक, हाँ जी, इसका मतलब ये भाव है इसका। ओके बास्ता जी, इसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही है शायद, ये गुड्डू बिनता समथिंग कुछ ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। जी, मेरे को बल्कि एक दो फोन आए थे, तो कोई कह रहे थे कि इस नाम से कोई दंपति है, कोई रनिंग मैरिज हुई होगी किसी किसी टाइम, तो वो अपने ऊपर ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो किसी का फोन था, कोई बोलता जी मेरे चाचा चाची का ये नाम है, बोलो ये उनके ऊपर बैठ रहा है गाना, ये उनका होगा। तो मेरा इन लोगों से ये कहना कि आप इस पे मत जाइए, ये गाना मेरा अपनी कल्पना है, अपनी कंपोजिशन की है मैंने तैयार, ये किसी के ऊपर ये गाना नहीं है। ठीक है, काल्पनिक गाना है। एक बात और पूछनी थी, अभी आप कुछ दिनों से हम देख रहे हैं वीडियोस आ रहे हैं आपके, आप सरगम स्टूडियो में हो राजीव भाई के साथ, वहाँ से वीडियोस आते रहते हैं, आप रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ कर रहे हो। जी जी। ये किसने शूट किया, किसका आइडिया था कि जिसको रिकॉर्ड करके आप डाल देते? ये ऐसा हुआ था सर, जैसे मैं रिकॉर्ड करके बाहर आया, जी मैं राजीव नेगी जी के पास आया, जी तो एकदम से वो जो है अपनी चेयर से उठ के खड़े, उन्होंने बोला आप सामने आइए यहाँ। हाँ? मैं सोचा मैं क्या हो गया, मैं कोई गलत हो गया होना गाने में। मैं भी सामने गया तो कि सीधा खड़े हो जाइए, मैं भी खड़ा हो गया। उन्होंने पट देकर अपने जेब से वो क्या फोन निकाला और बोलो गुनगुनाओ इसको, आपकी छोटी सी रील बनाती। तो मेरे को ये पता नहीं था कि भी ये वायरल करेगी इसको, मैं सोचा यहीं स्टूडियो में कर रहे होगे, मजाक जैसा कर रहे होगे। मैं भी पूरे इसमें लग गया, गुनगुनाने लग गया, जैसे मैं एक्शन मारने लग गया उस पर। तो थोड़ी देर के बाद देखने पे क्या है कि उन्होंने वो वायरल कर दी, अपने उस पे डाली, इंस्टाग्राम पे डाली। तो 10 बजे का टाइम, हाँ 10 बजे के बाद की बात है। तो जितने में दूसरे दिन 10 बजे मतलब 24 घंटे पूरे हो जाते, उतने में रील जो है 2 लाख प्लस हो गई। क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है। तो ये सारा आइडिया राजीव भाई का था? हाँ, उनका आइडिया था जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा हो गया और बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, बहुत ज्यादा रील्स इस पे बन रही हैं भाई। जी जी जी। और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस गाने का, कब आ रहा है? बस ये देखो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अब नहीं लगेगा, क्योंकि अभी मैं सवेरे बात की थी बेटे से, वो चला था जो चैनल का इशू मेरा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई संडे को लास्ट डेट, हम संडे को जो है इसको मार्केट में डाल देंगे। इस संडे को? ये संडे को जो इस संडे का मतलब हुआ अपना आज मंगलवार 24 तारीख को। जी जी जी। केवल राम बास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ये आएगा? हाँ जी, जी इसी पे आएगा ये। अच्छा। हाँ, तो मेरा सब ऑडियंस से भी यही निवेदन है कि भी इसको सब्सक्राइब करे, ये जो मेरे गाने हैं ये इसी में आएंगे, जो आगे भी आने वाले गाने होंगे तो इसी चैनल पे आएंगे। तो जब तक ये पॉडकास्ट आएगा होपफुली ये गाना आ चुका होगा। जी जी। वापस आते हैं अब आपकी जर्नी पे। जी जी। तो थोड़ा शुरू से शुरुआत करते हैं। तो शुरू से शुरुआत करते हैं सर, मैं अपनी, आपका गांव कौन सा है? मेरे गांव का नाम सरकरासा है, रोडू के नावर क्षेत्र में पड़ता है ये गांव। अच्छा। बहुत बड़ा गांव है, हमारे गांव में 2 पंचायतें हैं हमारे गांव की। अच्छा। हाँ, तो मैं वहाँ से हूँ, करासा से हूँ। एप्पल वाले हो आप भी? हाँ जी, हाँ जी, हमारे थोड़े मत एप्पल हो जाते हैं, मतलब अपने लायक एप्पल हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। स्कूल डेज से बात करें थोड़ी सी? स्कूल से बात करते हैं सर, तो क्या होता है जी, जब मैं दूसरी कक्षा का छात्र था, मेरे को आज भी पूरी तरह याद है। अच्छा। तो मैं स्कूल में क्लास में कभी गुनगुनाता था बच्चों के बीच, कभी कहीं ग्राउंड में गुनगुनाता था। तो हमारे अभी मैं पीछे कुलदीप शर्मा जी का एपिसोड देख रहा था। अच्छा। तो मेरी कहानी हिमाचली पॉडकास्ट पे? जी जी जी। तो मेरी कहानी भी मिलती जुलती प्रारंभिक उन्हीं से है। तो स्कूल में जो है बाल सभाएं चलती थी। अच्छा। बाल सभाएं होती थी, तो उसके बाद क्या होता जी, मैंने जैसे मैं बच्चों के बीच में गुनगुनाता था, तो एक शरारती बच्चा था। अच्छा। उसने टीचर को बता दिया कि जी आज शनिवार का दिन है, आज बाल सभा, जी ये लड़का अच्छा गाता है, इससे गवाही आप, हम बोलो हमने सुनते इसको, बोला हम रोज सुनते इसको, ये अच्छा गाता है। तो मैं थोड़े शर्मीला स्वभाव का था जी। अब ग्रह के चक्कर से उसी दिन शनिवार था, मेरे को आज पूरी तरह याद है। अच्छा। अगर दूसरे दिन होता, तीसरे दिन शायद मैं स्कूल ही नहीं आ पाता क्योंकि मैं शर्माने वाला था, अब किस तरह गाना है। तो शाम को जी बच्चे इकट्ठे हो गए, बाल सभा शुरू हो गई, तो मेरे को टीचर लोगों ने बुला दिया, मैं बैठ गया। तो जो लड़का शिकायत करने वाला था टीचर से, उसने बताया कि गुरुजी मैं भी गाऊंगा बंदे के साथ गाना। बोलो चलो आ जाओ, बैठ जा तू आ जाओ। वो भी बैठ गया बगल में। तो जैसे हमने गाना शुरू किया तो गाना था उस टाइम, वो क्या बोलते, नीरकू वाला गाना। सुनाएंगे? बिल्कुल सुनाऊंगा सर। बोलो घोरे गोंडा बेनिरिकुरे पिपलो रे डाले मुखी सिए लाबे रोशिने लाला सोद रे काले, ये गाना था। तो मैं जैसे गा रहा था, मैं सिर यूं झुका हुआ था मेरा, क्योंकि मैं शर्मा आता था बहुत ज़्यादा। तो वो लड़का जो सामने बैठा था बिल्कुल यूं, मतलब शरारती जैसा था, वो ना शर्मा रहा था ना कुछ नहीं, और साथ में मेरे को यहाँ से दबा रहा था ना। तो मैं सोचूं ना बोल पाऊँ कुछ, और ना फिर टीचर के डर से गाना भी पढ़ ही रहा है। तो मेरे आंखों से आंसू आने लगे, साथ में गा रहा। फिर टीचर लोगों ने देखा मेरे को भी, क्या हुआ कैसा है। तो क्या हुआ बोलो बेटा, मैंने सच सच बता दी कि भी इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो उसको ऐसे धपकाया कि भी ऐसा नहीं इसको, तो उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी। तो उसके बाद जैसे प्रोग्राम ख़त्म होता बाल साहब का, तो उन्होंने मेरे को टॉफियाँ दी। अच्छा। तो टॉफी के लालच से मेरे को हर, मतलब हर शनिवार को बाल सभा में, मतलब मेरे को भी लालच हो गया, टॉफी के लालच से मेरे को गुआते गुआते रहे। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि उन टॉफियों में शायद इतना घोल था जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने इतने बड़े मंच पे बैठा हूँ। अरे सर, हमारा सौभाग्य है कि आप आए हैं यहाँ पे हमारे विनती पे। जी जी। तो उसके बाद और आगे चला जी, फिर मैं मिडल में गया। मिडल में हमारे गाँव के एक पड़ोस गाँव है बंछुना, तो वहाँ के पीटीआई सर थे कृष्ण लाल कमटा जी। तो उन्होंने मेरी हाइट को देखते हुए उन्होंने मेरे को जो है वॉलीबॉल के पिच में धकेल दिया कि भाई ये वॉलीबॉल खेलेगा। तो उन्होंने काफ़ी सिखाया वॉलीबॉल में, मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा वॉलीबॉल का। आपको देख के लगता है? जी जी जी। उसके बाद मेरी मैट्रिक होती है अपने गाँव के स्कूल से, हाई स्कूल करासा से। उसके बाद मैं सेकेंडरी में गया जी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोडू में। तो वहाँ मैंने पाया कि मेरे को संगीत का भी माहौल नहीं मिल रहा था। फिर मैं सोचता था अब स्पोर्ट्समैन भी था, मैं कौन सी फील्ड में जाऊं, क्या करूं मैं, फिर कुछ समझ में नहीं आया मेरे से। मैंने वहाँ से माइग्रेशन कर दी सरस्वती नगर कॉलेज के लिए। अच्छा। क्योंकि वहाँ +1 से म्यूज़िक था, +1 से म्यूज़िक के सब्जेक्ट थे। तो +1 से म्यूज़िक के सब्जेक्ट में मैंने, मतलब वहाँ से +1 2 किया मैंने सरस्वती नगर से। उसके बाद मैं सीमा कॉलेज गया। सीमा कॉलेज में मेरे को अच्छी संगत मिली। हमारे डॉक्टर गोपाल किशन भारद्वाज जी वहाँ के म्यूज़िक के जो प्रोफेसर थे, उनकी संगत मिली, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा जी। 3 साल मैंने सीमा कॉलेज में लगाई। उसके बाद बीच बीच में मेरी रिकॉर्डिंगें भी चलती रहती थी। तो उतना ज़्यादा उस टाइम था नहीं, मैं उधर होता था, क्या कहते, कुल्लू में उस टाइम काम करता था। वहाँ बोला जी के स्टूडियो थे, SP चावला जी के थे, वहाँ काम करते, पर उतने हाई लेवल के स्टूडियो तो नहीं थे वो। पर मैंने गाना उस टाइम, मतलब कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिए थे, कैस्टे कुस्टे में निकाला। म्यूज़िक का कीड़ा कैसे लगा? म्यूज़िक का कीड़ा क्या बताए सर, मैं आपको अपने बचपन की याद, घर से याद लाता हूँ जी। जब मैं छोटा था बिल्कुल, मतलब मेरी एज लगभग शायद 12-14 साल की होगी, तो मेरे को घर में एक काम सौंपते थे सेब सीजन टाइम में, तोते बघाना बगीचे से। तो मेरे पास एक छोटा सा टीन दिया जाता था, 2 छड़ी दी जाती थी। तो मैं चले जाता था वहाँ पे। मैंने क्या करना, मेरा तोते से कोई मतलब नहीं, सेब से कोई मतलब नहीं था। मैं साइड में बैठना, बस अपनी धुन में मस्त रहना, उसको बजाना, अपनी धुन में मस्त रहना, और घर में आ जाना। तो मेरे को टाइम का पता नहीं रहता किस टाइम है, और स्कूल भी जाना होता है, मेरे को ना टाइम का पता होता था। घर में आता था, कई बार 10 बज जाते थे, कई बार 10 बजे से पहले भी आ जाता। तो सबसे पहले डांट घर में पड़नी, पहला रिमांड घर में होना, उसके बाद स्कूल जाना, कई बार क्लास बैठी होती थी। तो ये जो आप कह रहे हो कि आप अपनी धुनों में मस्त रहते थे, जी जी, क्या धुन छेड़ते थे उस टाइम? बस जो मन में आया। अब सुने सुनाए गीत, उस टाइम रेडियो का जमाना था। अब ना उस टाइम कैसेटें चलती थी जी। रेडियो में शुक्रवार को मासू प्रोग्राम आते थे। अच्छा। 9:30 बजे हर संडे को पहाड़ी गानों का एक प्रोग्राम आता, मेरे को एक्चुअली टाइटल का पता नहीं क्या था वो। तो मैं नींद में, रात में मेरे को नींद पड़ती थी, उन चक्रों से मैं फिर यूं जागता था कि भी गाने आने। अभी फिर नींद पड़ती थी, फिर जबरदस्ती जागना, कई बार मुंह में पानी के छींटे मारने गीत के चक्कर से, भाई सुनने गाने आते हैं क्या, कौन कौन से गाने आएंगे, कौन कौन से गाने गाएंगे, तो मैं उन चीज़ों में मतलब मेरा फोकस रहता था गानों में, बस जिनके भी गाने होते थे मैं उनको ही गुनगुनाता था। चलिए थोड़ी सी बात फिर रेडियो की कर लेते हैं उस जमाने की। जी जी। कौन कौन से आर्टिस्ट उस टाइम पे, क्या कौन से गाने चल रहे होते थे उस टाइम पे? उस टाइम जी एक तो हमारे अपर मासू की शांति देवी थी। अच्छा। क्या गाने गाती थी, मैं उनसे मतलब बहुत प्रभावित होता था उन गानों से। सुनाएंगे कुछ उनका? बिल्कुल गाएंगे, सुनाऊंगा सर। बोलो हारी टे गाउक नारी टे गे दारो रे फेडू रे, दारो रे फेडू नूरी गे दारो रे फेडू रे, नवा तो छूटा मालिक गे मठड़े सेडू रे, मठड़े सेडू नूरी गे मठड़े सेडू रे। ये गाना था उनका, मैं बड़ा प्रभावित था इस गाने से। शांति देवी जी को आप सुनते थे उस टाइम पे? जी जी जी। और कौन था उस टाइम पे रेडियो पे जो आते थे? माठराम जी थे। अच्छा। यहाँ ननखड़ी साइड के शायद हो। अच्छा। वो उनकी भी चैंकी बड़ी फेमस हुआ करती थी। कौन थी? बोलो टीर भी पड़े हटुएरी लोए रे शोरू, काली रंडे बे बागरी बोरिशिने डोरू, इस तरह के गाने थे उनके। अच्छा। बहुत मजा आता था गाने सुन के जी। तो आपको बेसिकली म्यूजिक का कीड़ा उस रेडियो ने डाला जी। रेडियो ने डाला जी। जी जी। रेडियो, और जो फिर आप उन तोतों को भगाने के चक्कर में आपको भेजा जाता था। जी 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 जी। पर आप कुछ और ही कर रहे होते थे वहाँ। जी 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 जी। क्या तान छेड़ते थे उस पर? जो भी मन में आए, बस ध्यान में हो जाता था वो गाना ऐसा बज रहा था उस दिन, फिर उसकी लय में गाना, उसकी धुन में पकड़ना, वही धुन पकड़नी, बाकी भी जाना। बाकी मेरे को ये पता नहीं होता था कि तोते का सेब खा रहा, सेब को तोता खा रहा, मेरे को इस चीज में कोई पता नहीं था। मैं अपनी धुन में मस्त रहना और घर में जाके रिमांड होना, वहां से जाके स्कूल जाना, वहां और फिर रिमांड होना। म्यूजिक आपने कहीं से प्रोफेशनली सीखा है? प्रोफेशनल तो सर कहीं से नहीं सीखा। हाँ। ये जो जब से मैं कॉलेज में गया हूँ, कॉलेज के मतलब कॉलेज में सीखा, वहाँ भी शास्त्रीय संगीत चलता था। शास्त्रीय टच हमारा था नहीं, क्योंकि जुनून चढ़ा था एक पहाड़ी गानों में, एक अपने कल्चर से जुड़े थे, उस चीज में मेरा कोई नॉलेज नहीं है। शास्त्रीय संगीत में मेरे को कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना है थोड़ा स्वर का ज्ञान है, मात्रा का ज्ञान है और सम का ज्ञान है, कहाँ से उठना कहाँ से बैठना, कोई मात्राएं सम से एक दो मात्रा आगे से पीछे से उठना, कहाँ से कोई ऑफबीट का गाना, उस चीज़ें की सब नॉलेज है। तो कल हमने जो फेसबुक लाइव किया था, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो द हिमाचली पॉडकास्ट फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएगा। जी जी। आपने एक बात बताई थी कि किसी ने आपको कहा था कि आप अगर गाली भी देंगे। जी जी जी। क्या था वो? जी जी। ये बात जी, एक शास्त्री जी थे। कहाँ के थे शास्त्री? ये हमारे उधर जुबल के थे। अच्छा। तो उन्होंने बताया, मेरे को एक बारी बैठाया अपने पास, बोलो जी एक बात पूछ मैं आपसे, बोलो कि आपके आवाज़ में ये मेलोडी कैसे आई, कहाँ है? मैं कहा ये माँ सरस्वती की देन है जी। मैं कहा गाने वाला कोई और है, लेकिन मैं तो एक पेश करने वाला हूँ। तो बोलो जी एक बात बताऊँ। मैं कहा बोलो जी। बोला आप हमारे को चाहे गालियाँ भी देंगे गा के, मगर वो भी यहाँ बजेगी कहते। क्या बात है, क्या बात है, इतना सुरीला आप गाते हैं, इतना। चलो जी, माँ सरस्वती की देन है जी। गाने की जर्नी जो प्रोफेशनली शुरू हुई वो कब, कौन से साल में शुरू हुई थी? जी वैसे तो मैंने 95 से कैसेट में गाना शुरू किया। अच्छा। तो वो उस टाइम उतनी ज़्यादा कैसेटें चलती नहीं थी, या मेरी मतलब कोई ना कोई कमी थी कैसेटों में, तो मैंने अपना ये नहीं छोड़ा जी, मैं लगे रहा। तो ये 2008 या 2009 की बात है, तो मैं रामपुर गया सुरेंद्र नेगी जी के पास, तो वहाँ से एक ऑडियो रिकॉर्ड किया मैंने, उसका टाइटल था वो चांद कहाँ। तो जब वो कैसेट मार्केट में आई तो मतलब उसने हिमाचल को हिला दिया। सुरेंद्र नेगी जी खुद बोल रहे कि भी ये हो क्या गया। तो 7 दिन में, आप यकीन नहीं करेंगे, 10,000 कैसेट 7 दिन में रोडू से कोटखाई तक बेच चुके थे। लेकिन दोबारा डिमांड आ रही थी रोडू से, जुब्बल से, कोटखाई से, फ़ोन पे फ़ोन आ रही कि मार लाओ मार लाओ। तो वहाँ फ़ोन करता था मैं, माल सुरेंद्र नेगी जी ले आ रहे थे। बोलो जी दिया ऑर्डर दिया हमने, वो आ नहीं रहा था, कैसेट की डुप्लीकेसी होने लगी। तो मैंने सोचा, मेरी अपनी होम प्रोडक्शन थी वो, तो मैंने सोचा मेरे से ये काम नहीं होगा। तो मैंने वो तानिया कंपनी को, वो तानिया सानिया जी जी, उनको जो है मैंने वो मास्टरपीस बेच दिया था। अच्छा। कितने में बेचा था उस टाइम? अब उस टाइम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 60 या 65 हज़ार में बेचा था मैंने। साल? ये 2009 की बात है। अच्छा जी जी। 2009 में नहीं तो मैं जानना चाह रहा था कि आपका पहला कैसेट कौन सा था? पहला कैसेट वैसे तो बहुत निकले ना, लेकिन वो छूट फूट कैसेट थे, छोटे मोटे स्टूडियो से निकलते थे, उसमें उतनी आज़ादी होनी थी ना, उधर ही चलते थे, हमारे लोकल ही चलते थे, पर उतनी पहचान नहीं बनी। जो पहचान बनी मेरी उस कैसेट से बनी है। नहीं सर, पता क्या है, पहचान तो आपकी बनी है, बिल्कुल आपको लोग बहुत प्यार करते हैं। जी जी। मैं जानना चाहूँगा फिर भी वो पहली कैसेट कौन सी थी, चाहे वो सुनी गई चाहे ना सुनी गई हो? पहली कैसेट थी मेरी, उसका टाइटल था दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर। जी। ये टाइटल किसने दिया? ये टाइटल सर ऐसे वो कुछ जैसे एड आती थी जी, एक एड आती थी, वो पेप्सी वालों की एड थी, ये प्यास है बड़ी दिल मांगे मोर। जी जी जी। तो मैंने उसका टाइटल रख दिया उस कैसेट का। बल्कि वो यहाँ कच्ची घाटी में रिकॉर्ड हुई थी, बल्कि हमारे आदरणीय श्री बिकी चौहान जी थे उस टाइम वहाँ, उनकी रिकॉर्डिंग चली थी, उनकी वो फर्स्ट कैसेट थी निरुताले घूम दे। अच्छा। हाँ, बल्कि अभी परसों मैं स्टूडियो में जिक्र किया था उनसे, मैं कहा मैं भी साथ था उस टाइम वहाँ कच्ची घाटी में, अब उनको याद नहीं था होगा शायद। तो वो उसको मास्टर को ले गए, तानिया के बाद तानिया कंपनी को दे गया शायद उन्होंने वो। तो मेरी अपनी होम प्रोडक्शन थी, मैंने खुद निकाला था वो। तो कितने पैसे लगाए थे उस टाइम? उस टाइम तो सिर्फ 10,000 दिए जी, मेरे को पूरा याद है 10,000 दिए थे। 95 की बात है, 1995 की बात है। जी जी। 1995 10,000 बहुत होते थे सर। जी 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 जी। कहाँ से लिए थे? मेरा भी प्रोड्यूसर था सर। हाँ। मेरा खुद के नहीं थे पैसे। अच्छा। प्रोड्यूसर था जो हमारे उधर राजेश चिंटा। ओके, वेरी नाइस। तो वो कैसेट उतनी चली नहीं थी? नहीं, उतनी नहीं। कोई गाना याद है उसका? जी याद है जी, सुनाइए ना। उठ गे सुंदला बे लागे है बेरा चो, उठ गे सुंदला लो, उठ गे सुंदला बे लागे है बेरा चो, उठ गे सुंदला लो। ये गाने थे उस कैसेट में, इस तरह के गाने थे जी। अच्छा, तो पहली आपकी चली फिर वो चांद कहाँ। वो चांद कहाँ। जी जी, ठीक है। उसमें कौन कौन से गाने थे सर? उसमें सर एक गाना था, वो क्या कहती, टावर लागो बनो, जो आज तक बजता है शादी में, वो गाना चूंकि प्रीति का गाना। किस टाइप का गाना था ये सर? तो टाउरे लगो बोने दो पासीरो खेलो, चूंकि प्रीथे दुए ताती तावीरो तेलो, चूंकि ये थागे गगरो पेरी थी ये लोटा, बाईदा पोड़ा केसरोरी पानी रा चोटा। इसमें क्या हो रहा है? इसमें सर ये भी बहुत ट्रेडिशनल गाना है। मैं आपको बार बार परेशान कर रहा हूँ, माफ कीजिए मुझे इसके लिए। बात सिर्फ इतनी सी है, जो अपर शिमला एरिया यूएसए जिसको कहते हैं। जी जी जी। वहाँ के लोग तो आपकी समझ रहे हैं। जी, मैं जी। और मेरे जैसे और सारे लोग जो मेरे साथ हिमाचल के जुड़े हैं, हिमाचली पॉडकास्ट पे, कोई हमीरपुर का है, बिलासपुर का है, मंडी का है, मैं चाहता हूँ उनको भी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता चले। जो शब्दों का मीनिंग आप बताएंगे ना अगर हिंदी में, तो वो भी आपके गाने के साथ कनेक्ट करेंगे और ज्यादा वो भी सुनना स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज बताइए ना इसमें क्या हो रहा है। इसमें सर एक्चुअली तो मेरे को भी इस गाने के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, ये ट्रेडिशनल गाना है। अच्छा। तो इसमें मेरे हिसाब से ऐसा है कि भाई एक जो लड़की है उसके शायद 3 आशिक है मेरे हिसाब से। तो कहीं उसकी मंगनी होती है, कोई उसको चारा होता है, और तीसरे के साथ उसका फेर है। अच्छा। हाँ। अच्छा। ये अच्छा। मतलब मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूँ इसके, मतलब इसके बैकग्राउंड देख रहा हूँ गाने का गा के, कि इसमें जो जो चीज़ें जुड़ी है, तो मेरे हिसाब से तो ये है जी इस गाने का भाव। अच्छा, आपको भी एक्चुअल पता नहीं है? जी जी, एक्चुअली पता नहीं है मेरे को। ठीक है। ये कल उसमें भी बड़ा आ रहा था फेसबुक लाइव में कि ये वाला सुनाओ, ये वाला सुनाओ। हाँ जी हाँ जी जी। ये मेरा काफ़ी हिट गाना रहा जी। इस गाने ने हिमाचल को हिला दिया था, इतना हिट रहा। एक हमारे रोडू में एक कैसेट विक्रेता थे, तो उन्होंने बताया कि इस कैसेट की इतनी लहर चली कि बिहार का आदमी भी एक कैसेट को लेने आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ तेरे को समझ आ रहा कि नहीं आएगा, भाई क्यों ले जा रहा? बोले जी सारे ले जा रहे हैं इसको, क्या है ऐसे इसमें, इस कैसेट में। कौन थे कैसेट विक्रेता? ये नीटू नाम है उनका, पार्क के पास उनकी शॉप है रोड में। अच्छा। बोले मैं खुद परेशान हूँ यार, बिहारी लोग जो है कैसेट को ले रहे हैं। क्या बात है, क्या है इस कैसेट में ऐसा? बोलो मैम ने बताया भी कि भाई इसमें तुम्हारे लायक कुछ नहीं है। बोलो नहीं सारे ले जा रही है, हम सुनना चाहते क्या है, क्या है इस कैसेट में। तो ये था वो चांद कहाँ। इसमें और कौन सा हिट गाना था आपका? इसमें एक डेथ सॉन्ग था जी, गाड़ा हमारा रोशन लाला, बल्कि कल शाम को जो लाइव डिमांड कर रहे थे लोग उसके। चलिए, इस बारे में आपने अगर बात जिक्र छेड़ दिया है, तो मैंने थोड़ी सी जो आरएनडी की थी उसमें मुझे सुनने में आया था कि आपको डेथ सॉन्ग का स्पेशलिस्ट कहा जाता है। जी जी। चलो वही जी, अब मेरे अपने प्रशंसकों की मैं तारीफ करूंगा जी, जो मेरे को इतना पसंद कर रहे हैं। अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि मैं इतना स्पेशलिस्ट हूँ, कोशिश करता हूँ लिखने की, गाने की, कि भाई लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं, इस चीज़ में मेरे को आगे ले आ रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। किसी ने मुझे बताया जी केवल राम बास्ता जी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो लोग नॉर्मल नाटी, जो डांस नंबर या नॉर्मल कोई रोमांटिक कुछ भी नंबर होता है जी जी, उसके जितने पैसे लेते हैं ना जी जी, उससे ज्यादा पैसे इन्होंने डेथ सॉन्ग लिखने के लिए रखे हैं। मतलब इनको महारत हासिल है इस चीज में। नहीं सर, ये देखो ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, मेरा ऐसा कोई खास नहीं है कि भी मैं किसी से पैसे बटोरूं या डेथ सॉन्ग में। कोई लाचार बंदा है, सुनना चाह रहा अपने, कोई उसका अपना घर का सदस्य घट गया है तो उसके सुनना चाहता, देने के लिए पैसे नहीं है, तो मैंने कई गाने ऐसे गा लिए जी कि पैसा नहीं जुड़ रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा मतलब रिकॉर्डिंग का खर्च कर देना आप, भले वहीं स्टूडियो में दे दो खर्च रिकॉर्डिंग का। नहीं, इस संदर्भ में बात नहीं बोली गई, आप थोड़ा अलग ले गए। इस संदर्भ में बात ली गई कि जिनके पास होता है पैसा देने का, ऐसा नहीं है तो उन्होंने दे रखा है आपको जी, आप डिजर्व करते हो एक तो, और दूसरा मतलब आपने डेथ सॉन्ग के लिए भी आपको अच्छा खासा उस टाइम पे पेमेंट मिला करती थी। हाँ, ये बात सही है, पेमेंट देते थे। कई बारी ऐसा भी होता था कि मैं कम बोलता था, बंदे खुश होके ज्यादा देते थे, ऐसा भी होता था। ऐसा कब हुआ है? ये कोटखाई की बात है, बड़े तगड़े ऑर्चिड्स है वो, क्या बोलते ताइटा जी, चैथला गाँव में। अच्छा। वो हिस्ट्री दी थी उन्होंने डायरी में लिख के, तो 2008 में मैंने उसमें पढ़ा उनकी 33,000 पेटी सेब की हुई 2008 में। अच्छा, ताजटा जी बहुत पॉपुलर आदमी है, बहुत तगड़े आदमी है। ठीक है, तो उन्होंने दिया था मेरे को, गाने के बारे में बताया था, तो उस टाइम की बात है, पता नहीं कौन से सन की बात होगी, तो मैंने उनको कुछ बताया था, उन्होंने मतलब 5,000 एक्स्ट्रा दिए मेरे को। अच्छा। हाँ जी। कौन सा नाटी थी वो? तो कोटखाई रे स्कूले दे पड़े दशुए जे मातो नुकरे उदियान विभाग रे लाएडे आथो ताजटे आ भगत रमा लाएडे आथो। ये गाना था जी, उनकी फैमिली का था ये, मतलब मैन आदमी थे उनकी फैमिली के ये। अच्छा, आपको क्या लगता है ये बास्ता जी, ये डेथ सॉन्ग्स का ट्रेंड कब शुरू हुआ? हाँ, तो हिमाचल में तो मेरे को पता नहीं जी कब से रहा, लेकिन मेरा जो पहला डेथ सॉन्ग था वो ये था कि गाड़ा हमारा रोशनी लाला, जो बहुत बड़ा हिट है। हाँ जी, बहुत बड़ा हिट रहा है गाना। तो आपने किसके डेथ सॉन्ग्स का सुना था कि मतलब सुन के? नहीं, मैंने वैसे एक्चुअली किसी का नहीं सुना जी, मैंने किसी के गाना नहीं सुने डेथ सॉन्ग के। डेथ सॉन्ग का मैंने अपने आप ही मैंने जो तैयार किए थे, मैं तो उसी टाइम से मतलब खुद ही अपनी इसमें मैंने वो किया ना, मैं किसी के नहीं सुने गाने। तो मन में क्या आया कि देखिए ये मतलब ट्रेंड था, ठीक है, बट कि हर कोई चाहता है कोई रोमांटिक गाए, कोई डांस नंबर गाए, या फिर कोई नॉर्मल कोई कथाएं कुछ चल रही हैं उन पर गाएं। डेथ सॉन्ग का क्या आया दिमाग में? डेथ सॉन्ग का सर एक तो ऐसा है कि मेरे को जो है एक दर्द भरे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। गाने में मेरे को मजा आता है, मतलब आवाज में मेरे को दर्द डालने मजा। जैसे मान लो कोई मेरे को डेथ सॉन्ग दे रहे है तो मैं उन आदमी की संवेदनाएं अपने ऊपर लेता हूँ, मानो मेरे साथ घटती है ये चीजें, तब जाके दर्द देता हूँ गाने में। अच्छा। मानो मेरे साथ ऐसा हो गया, तब जाके गाने में दर्द देता हूँ, तो जो यहाँ बजती है। तो जो आप ये कह रहे हो कि यहाँ बजती है जी, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, कोई ऐसी डेथ का कोई ऐसा किस्सा हो कि आप सो ना पाए और रात को उस बारे में सोच सोच के? दर्द बहुत होती है, उनकी जगह में मैं खुद बैठता हूँ जब मैं लिखने शुरू करता हूँ गाना, कि मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो परिवार, बेटे के साथ क्या बीतती होगी, किसी की माँ की डेथ हो रही है तो बच्चे के साथ क्या बीतती होगी, तो ये चीज़ें सारी मैं अपने दिमाग में लेता हूँ पहले, तब जाके गाना लिखना शुरू कर देता हूँ। चलिए अब केवल राम बास्ता द राइटर के बारे में बात कर लेते हैं। आपने शुरुआत कर दी है। अच्छा, तो आप इन सब चीज़ों को खुद के ऊपर विजुअलाइज कर लेते हो? जी। बड़ा मुश्किल काम है ये तो। जी, बहुत मुश्किल काम है सर, क्योंकि इस बारे में तो कोई लोग बात करना भी नहीं पसंद करते। क्यों? क्योंकि लगता है कि हम यूजुअली क्या कहा जाता है कि कुछ अच्छा सोचो, कुछ पॉजिटिव बात करो। जी। आप कैसे कर लेते हो सब? सर मेरी भी अब एक हिसाब से मजबूरी होगी, लोग आ रहे हैं, अब उनको मैं भगा नहीं सकता, उनको मैं मना नहीं कर सकता, अब उनकी भी आशाएं मेरे से जुड़ी है कि भाई आप ही गा सकते हैं अच्छा सॉन्ग, आप ही इसको कर सकते हैं। अभी मैं बल्कि स्टूडियो में मेरे अभी एक भी डेथ सॉन्ग नहीं निकला, 2019 के बाद मैंने गाना बंद कर दिया था, तो 2019 के बाद अभी मेरे पास जो है ऑफर आ रहे गानों के, डेथ सॉन्ग के। जी बिल्कुल, 3 डेथ सॉन्ग मेरे रिकॉर्ड हो चुके हैं। अच्छा हाँ, तो मैं चाह रहा था निकालना इसको, लेकिन ये रील की वजह से मेरे को जो है ये नॉन स्टॉप निकालनी पड़ रही है पहले। अच्छा। मार्केट में। जी जी, तो बेसिकली आप फिर से डेथ सॉन्ग्स बना रहे हैं। डेथ सॉन्ग क्या करें सर, मजबूरी है, लोग आ रहे हैं, अब क्या कैसे करना, क्या लोगों का अब आ रहे हैं, उनका भी बेचारे के आशा रहती है कि भाई नहीं आप करेंगे आप गाएंगे। अभी मैंने एक डेथ सॉन्ग आया, उसकी भी मेरे को फरमाइश कहाँ से, दुबई से आई। अच्छा। तो उनका बेटा दुबई में एक मलेशिया में है, तो वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया मेरे को कि भाई हमने आपका नंबर पता नहीं कहाँ से सर्च किया, उन्होंने मेरा नंबर लिया कि हमारी ऐसी जैसी मदर थी, इस तरह से बीमार हुई, इस तरह से उनकी डेथ हुई, क्या कुछ कि भाई हमने जो है आपको वो चूज़ किया है, भी आपको ये गाना गाना ही पड़ेगा ना। उन्होंने मजबूर किया बेचारे ने, हिस्ट्री भी उन्होंने वहीं से व्हाट्सएप की, सब कुछ जो है मेरा वार्तालाप वहीं से हो रहा है उसमें व्हाट्सएप द्वारा उनसे। तो वो गाना रिकॉर्ड हो चुका है, वो भी अभी मार्केट में आएगा। इसके बाद जो मेरी नॉन स्टॉप है, इसके बाद मार्केट में निकालूंगा वो गाना भी, उनका भी डेथ सॉन्ग का। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने तो ऑनेस्टली बताऊं मैंने कभी इस तरीके से डेथ सॉन्ग सुने। हाँ मुझे पता है कुलदीप भाई आए थे, जी जी। और भी आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने बताया कि डेथ सॉन्ग का कल्चर होता था पहले, जी जी। तब मुझे ज्यादा पता चला। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिर से इस ट्रेंड को वापस लाने वाले हैं, क्योंकि लोगों को हिसाब से देखा जाए ना, जिस हिसाब से मेरे पास गाने आ रहे जी, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है जी। आपका जो गाना था, ये डेथ सॉन्ग था, गारडा हमारे रोशन लाला, जी जी। आपका ये गाना डीजे के ऊपर भी लोग एंजॉय करते हैं। जी 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 जी, मेरे डेथ सॉन्ग मैक्सिमम डीजे में बजते जी। ये लॉजिक नहीं मैं समझ पा रहा हूँ कैसे, मतलब डेथ सॉन्ग है डीजे पे। अब पता क्या सर, अब लोगों ने तो नाटी देखनी, क्योंकि डेथ सॉन्ग थोड़ा ऐसा होता है, इसमें कोई मुंजरा नहीं होता, कोई मतलब ये ढीला गाना होती है, ढीले गाने में तो इसमें जो माला लगती है, माला लगती है। अब लोगों का कोई लेना देना नहीं क्या बज रखा है, जब एक बारी मार्केट में बज रहा है कोई गाना, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि भाई किसी का दुख हो रहा है इसमें, किसी का क्या हो रहा है, तो उन्होंने तो नाचना होता है। अभी पीछे मेरे को एक फोन छपाल से आया था कि मैं सुरेंद्र नेगी जी के पास स्टूडियो में गया था उधर शोगी में, तो सुरेंद्र नेगी जी कह रहे थे कि बोलो हिमाचल में बास्ता एक ऐसा सिंगर है जिसका डेथ सॉन्ग डीजे में बजता है। मैं उनकी बड़ी रिगार्ड करता हूँ, इज्जत करता हूँ नेगी जी की। जितने भी डेथ सॉन्ग आपने अभी तक करे हैं, जी जी, उसमें कौन कौन से, एक तो रोशन गारडा हमारे रोशन लाला, जी जी, और कौन सा हिट, एक सत्य का गाना। अच्छा। मेरे दशकों पुराने गाने आज भी लोग उसको बड़े गौर से सुनते हैं। अब कल देखो आप, हम लाइव में देख रहे थे, कोई लिख रहा था कि मैं आपके गाने मेरे दादू सुनते थे पहले, तो दादू उसके टाइम से आज पोता सुन रहा है मेरे को। क्या बात है, तो कुछ तो होगी बात सर। कितने सदियों पुराने हो बास्ता जी आप। तो कोई एज पूछ रहे थे, उम्र क्या है, तो अभी वो पता नहीं, अब उनको मैं शायद अभी जवान लगता होगा या बुजुर्ग लगता होगा, तो उनकी दृष्टि से। आपने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है ना। जी जी, अब फिटनेस की देन क्या बोल सकते। एक तो मैं स्पोर्ट्समैन रहा, थोड़ा वर्जिश करता, बाकी मैं घर में भी काम काज में दबा के करता हूँ। बढ़िया जी जी। तो गारडा हमारे रोशन लाला हो जाए। হিনে লিখে হলে আমি মুখি বিয়ে মাতে রেখা গরো হাগু হুয়া হাদসা পুরিসে ফ্যামিলি দেখা গারডা মারে রোশনে লালা ফ্যামিলি দেখা বোটে সিলোচিনা তামুখি নাশিতে রো করো ए वीडियो तुए रोडू खिसाई शिगे पूजे गोरो। इसमें बल्कि मैंने अपना नाम भी इंक्लूड किया है। माऊएगा के उले रमे अशुएरी ले रे जुवानी रे छुटे लोकड़े दिए बेणे खीते रे गारडा मारे रोशन लाला बेणे खी तेरे। ये सर क्या हुआ था इनके साथ, ये एक्सीडेंट हुआ जी इनका। अच्छा जी जी, रोशन लाल गार्ड थे। जी जी जी। अच्छा, कहाँ के रहने? ये मेरी फैमिली की है सर। अच्छा जी जी। दूसरा सत्या वाला कौन सा था? माटे गाउक लोटी रे सौचवारे री नाड़ी तेरे नारी सतिया मारे सुनी दीना गाड़ी दिए मेरी ये सतिया मारे सुनी दीना गाड़ी। किसकी डेथ स्टोरी ऐसी थी जिसने आपको भी थोड़ा मूव किया? डेथ स्टोरी सर, एक कोटगढ़ का गाना था, एक किसी लड़के का। अच्छा। एक लौता बेटा था, वो BSc सेकेंड ईयर में पढ़ता था, तो उसको जैसे फ्रेंड सर्कल ने जो है कि झूठ वूठ बोल के उसको बोल दिया। उसके पास गाड़ी थी, उन्होंने चंडीगढ़ जाना था लड़कों ने, तो उसको ले आके अपने उसके पापा के पास जाके उन बच्चों ने कहा कि इस, उसका नाम पीयूष था लड़के का, कि इसको भेज दो हमारे साथ, मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। किसी दूसरे लड़के ने ऐसे झूठ पक दिया। बोलो कहाँ है, बोलो कहते चंडीगढ़ में वो एडमिट है। बोलो तो उनके पीयूष के पापा ने बोला कि भाई चले जा बेटा, जब इस तरह का ये हो गया हादसा इनके साथ, आप चले जाओ, इनको छोड़ो दो चंडीगढ़ में। तो उन्होंने कहीं अपनी आइसप्रस्ती में जाना होगा, इतना झूठ बोल दिया बच्चों ने उसके पास। तो लड़का भी चले गया उनको लेने, कहीं आगे जाके पट्टे मोड़ के पास एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उस लड़के की डेथ हो जाती है, उस पीयूष की, जिसको झूठ बोलकर, जिसके पेरेंट्स को झूठ बोला उन बच्चों ने कि भी उनकी डेथ हो गई है। तो बाकी जो बाकी बच्चे थे वो से बच गए, वो लड़का बेचारा मर गया। तो उसकी उसका गाना भी गाया था मैंने पीयूष का, याद है आपको? जी जी। देना हमी ने दोस्ते मुखी बोचणो झूठा हसी खेलियो ने चलेगा चंडीगढ़ खी उठा, इस तरह का गाना जी। अच्छा। पोटे मोड़े दुने हमी मेरे गाड़े उठे गिरे चोट लागे हमा मुंडो दे मेरे होश भी ना फिरे दिए मेरी आ पीयूषा मेरे होश भी ना फिरे। ये जी जब लोग आपके पास आते हैं जी जी डेथ सॉन्ग लिखवाने के लिए, जी जी क्या भाव लेके आते हैं, उनको क्या उनके अंदर रहता है, क्यों ये उनको करना है ये? अब ये तो जी हो जाने, कोई बोलते हमने जो है याददाश्त के लिए रखना, कोई बोलता है ऐसा कि हमारे को जी, जैसे कोई बीमार होता है, लंबी बीमारी से पीड़ित होता तो बोलते कि हमारे को पहले का बोल रखा था जी कि जब मैं मरूंगा तो मेरा गाना बनाना। और गाना आप ही से बनवाना है? जी जी जी, नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो बोला कि हमारे लिए तो भाई आप ही सब कुछ है। अब ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने कि भाई उन्होंने आपके लिए बोला, लेकिन ये बोला कि भाई उन्होंने ये बताया कि हमारा गाना बनाना। अच्छा जी जी जी, ऐसा चलता है जी जी। ये मेरे लिए ना ऑनेस्टली बताऊं जी जी, ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है जी जी जी, ये जो डेथ सॉन्ग्स और ये सब जी जी। तो इसीलिए मैं ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ इसी से रिलेटेड स्पेसिफिकली। जी जी जी। आपने पहला लाइव शो कब किया? रोडू मेले में था। कब? ये थी बात कोई 2011 या 12 की बात है। तो 11-12 में जाके आपको शो मिला? जी जी, उस टाइम मेरी वो कैसेट हिट हो गई थी सर, वो चांद कहाँ। उसके बाद मेरे को शो मिलने शुरू हुए, फिर जैसे गांव में प्रोग्राम होते थे फिर मेरे को वहाँ बुलाया, वहाँ बुलाते थे लोग गांव-गांव में। तो पहले शो में क्या कमाई हुई थी? अब कमाई तो क्या जी, उस हिसाब से कई बारी कोई किसी की फाइनेंशियली प्रॉब्लम। पहले शो की बात कर, रोडू मेले की, प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से मेरे को मिले थे शायद 10,000 रुपए। 10,000 रुपए मिले थे उस टाइम पे? जी जी, उस टाइम। और स्टार्स नाइट थी या नॉर्मल? नहीं नहीं, नॉर्मल था सर, नॉर्मल था। अच्छा, तो रोडू मेला आ रहा है अभी? रोडू मेला बिल्कुल आ रहा है सर, अगले महीने है, अप्रैल में। अगले महीने अप्रैल में सर। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था मैं जी, वो भी चाह रहे हैं कि इस बार स्टार नाइट जो है। जी जी, तो मैं भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो क्या करें सर, हम तो बल्कि हमारा डीसी महोदय से और एसटीएम महोदय से ये निवेदन है कि जिन आर्टिस्ट के अंदर हुनर है, टैलेंट है, आप उनको आगे लाइए। अब हमारी कहीं राजनीति में सेटिंग नहीं है, हमारी किसी से कोई भी साँठ गांठ कहीं भी नहीं है, तो हमारी कहीं पूछ नहीं होती है प्रोग्राम में। तो हम कोटेशन भरते हैं, हमारे को जहाँ जगह मिलती है हम वहाँ चले जाते हैं। आपके फैंस आपको बहुत बड़ा स्टार मानते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कल्चरल अपने उसको हेरिटेज के लिए बहुत काम किया है। जी जी, तो मैं उन्हीं के कमेंट्स पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि इस बार वो हो। फिर मैंने भी कल फेसबुक लाइव बोला था कि जो जो चाहते हैं प्लीज बताइए कि इस बार रोडू मेले में स्टार नाइट मिलनी चाहिए। जी जी, केवल राम बास्ता जी को। जी जी, आई होप प्रशासन ये बात सुने और आप जैसे डिजर्विंग पर्सन को जी जी मौका मिलना चाहिए। रोडू में नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? रोडू अपना गाँव, अपना शहर है सर। मेन बात वो नहीं है, मेन बात ये है कि लोग आपको सुनना चाहते हैं। सुनना चाहते हैं, बिल्कुल जी, लाइव देखना चाहते हैं। जी जी, जो लोग एक्चुअल में जिस बंदे को सुनना चाहते हैं वो उनके सामने खड़े होंगे वहाँ पे, और बकायदा टाइम दिया जाए, बकायदा पैसे भी अच्छे से दिए जाए, तो वो अलग ही चीज होगी। चलिए, आई विश कि ऐसा हो एंड माय बेस्ट विशेस आल्सो। थैंक यू। तो वापस आते हैं अब थोड़ा सा सुरेंद्र नेगी जी की तरफ आते हैं। आप कह रहे हो कि आपकी जो करियर है उसको चार चांद लगे जब आपने वो चांद वाला वो एल्बम निकाला। कैसे हुआ, नेगी जी से कैसे मिलना हुआ? तो सर मैं नेगी जी से, मेरा कोई फ्रेंड था एक, तो वो नेगी जी के पास रिकॉर्डिंग में था, तो उसने फ़ोन किया मेरे को कि आप कहाँ हैं। मैंने बोला मैं घर में हूँ। बोला आप आ जाइए, ऊपर आ जाइए। रामपुर उस फ्रेंड का नाम क्या है? उसका महेंद्र नाम है बंदे का। तो यहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, तो मैंने वो कच्ची घाटी में जो पीछे कहा था मैंने रिकॉर्डिंग की थी, तो वहाँ डेट सिस्टम होता था कैसेट का, तो मैं वो ले गया वहाँ पे, मैंने बोला इसमें मैंने म्यूजिक चेंज करना है, तो वहाँ जाके देखा कि वहाँ सिस्टम ही कुछ अलग है, वहाँ कुछ अब दूसरी रिकॉर्डिंग, अब जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है जी, वो अलग है। तो उन्होंने कहा मेरे को सुरेंद्र नेगी जी ने कि आप इसको रहने दीजिए कि ये डेट सिस्टम पहले था, अब जो है सिस्टम ये आ गया, आप नए सिरे से रिकॉर्डिंग करिए। तो मैं ऐसे ही बिना तैयारी से जो है मतलब गाने मैंने शुरू कर दिए गाने, तो जो टावर लागे पाने वाला जिसकी मैं जिक्र पीछे भी किया अभी कि इतना हिट हुआ गाना, तो कुछ एक गाने बाद में घर आया, कुछ एक गाने में बाद में लिख के ले गया, तो इस तरह से मेरा वो वॉल्यूम वहाँ तैयार हुआ। तो वॉल्यूम कम से कम वहाँ पे 9 महीने तक रहा स्टूडियो में, प्रोड्यूसर नहीं टकर रहा था पैसे देने के लिए, तो कैसे न कैसे करके मैंने इधर उधर से कहीं से कैसे अरेंज किया, तब जाके मैंने वो मास्टर खुद निकाला, खुद मतलब वो कैसेट खुद तैयार की मैंने मार्केट के लिए। तो माली मैंने उन्हीं से मंगाया, कैसेट भी सुरेंद्र नेगी जी ने दी, तो उस कैसेट ने जो धमाल मचाया, मैं खुद परेशान हो गया बाद में। ये टाइटल किसने रखा था? टाइटल भी अपनी सोच थी जी कि अलग ही करना कुछ टाइटल, वो चांद कहाँ ये पता नहीं कहाँ से आ गया मेरे जहन में, खुद ही ये टाइटल रख दिया। उसके बाद जितने मेरे एपिसोड निकले, जितनी एल्बम निकली, वो सब चांद से निकली। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि क्यों जी? अब मेरे लिए शायद ये लक्की होगा ये चांद, क्योंकि चांद के बाद वो चांद फिर निकला, चांद सा रोशन चेहरा, चौधरी का चांद, चांद के पार, पता नहीं इस नाम से कितने एपिसोड निकाले, कितने एल्बम निकाली। तो जो नया वाला आ रहा है इसका भी कुछ चांद कनेक्शन कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ, बल्कि आज मेरे बेटे का भी फोन था कि भी इसका टाइटल सोचो, मैं वो तैयार कर रहा हूँ, कहते जो इसका वो बनता है कवर बनता है, मैं कहा चलो सोच के बताएंगे क्या कहते हैं। छुपा हुआ चांद आया बाहर बोले चांद छुपा बादल में, बादल में खोया खोया चांद बोले खोया खोया नहीं बोले, अब बोले छाया छाया चांद है। सोचेंगे सर टाइटल भी इसका। चलिए सोचिए आप इसका टाइटल सोचिए। अच्छा नेगी जी पे फिर से वापस आते हैं। जी जी कैसा एक्सपीरियंस है उसके साथ काम करने का? बहुत जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त। नेगी जी, सुरेंद्र नेगी जी और राजीव नेगी जी के पास तो अभी आया मैं, लेकिन बोथ आर ग्रेट म्यूजिशियन सर। मैं स्पेसिफिकली सुरेंद्र जी की बात करूंगा अभी पहले। अच्छा जी। तो सुरेंद्र नेगी जी के बाद उसके बाद मेरे जो है मतलब मैं इनसे रिकॉर्डिंग करते रहा, मैं इनके पास, फिर मेरे पास जैसे 10 सॉन्ग आते रहते थे, मेरा फिर खर्चा भी खुला हो जाता था, क्योंकि स्टूडियो का खर्चा भी निकलता था, तो घर से तो पैसा नहीं लेना पड़ता, अपना पैसा नहीं लगता था मेरा, तो मेरा मतलब उससे चलता रहता था। फिर मैं कैस्टे पे कैस्टे निकालता रहा, एल्बम पे एल्बम निकालता रहा, तो हर एल्बम से मेरे एक ने एक गाने हिट होते रहते थे। फिर उसके बाद निकाला मैंने वो चांद का, उसमें तानू का गाना वो बहुत बड़ा आज तक बजता है। हाँ जी, नदी बिमली आज तक बजती है। मैं दोनों सुनूंगा, पहले आप ये सुनाइए। तखु मेरे तनुआ चुट दो नाजियो, गांधी खाऊ लोटी साजेड़ोगियो, सारो पाछी बागोदा होनी लाकोदा, सारे रे ठकरा सारे खीबोदा। ये भी कोई डेथ सॉन्ग है क्या? नहीं नहीं सर। अच्छा, ये लव फेयर का गाना जी। अच्छा, किसी जमाने का। क्या हो रहा है इसमें? लड़की कह रही है अपने बॉयफ्रेंड को कि तेरे से मेरा दिल नहीं टूटता है। अच्छा, ये कह रही है कि मैं तेरे से चाहे जो मर्जी करूं, मेरा दिल नहीं टूटता है। अच्छा जी जी। दूसरा क्या? नदी समथिंग कुछ था, नदी भी मिली है। बोलो बेगड़े गशुए ने गड़ुए कटे मुर्गे, खड़ू नदिए बेबी में लिया मुर्गे खड़ू, मोटी मोटी बोलो डोली की न दे बिमलोखी, छाड़ू नदिए बेबी में लिया बिमलोखी छाड़ू। इसमें कवि क्या कह रहे हैं? इसमें कवि कह रहे जी कि बिमला नाम की कोई लड़की थी, अब उसका फिर कहीं जो घाड़ा गाश घाड़ू मतलब कोई लकड़ वाले होते थे, कोई उसमें काम करते होगे, कहीं उसमें लकड़ियों का ये होता ना, तो उनका भी उसका भी शायद फेयर उनके साथ होगा, इस तरह का कुछ ही है इस गाने में जी। अच्छा, तो फिर नेगी जी के साथ ये किया, और कौन सा हिट एल्बम किया उनके साथ आपने? उनके साथ चमकता चांद भी उनके पास ही किया, चमकता चांद भी उन्हीं के पास किया जी। उसमें वो रूपाचल पोरू, हाँ वो बड़ा जी जी जी, वो दूसरा नंबर था मेरा वो। अच्छा, हाँ सेकंड नंबर था मेरा वो चमकता चांद। सुना देंगे उसको? बिल्कुल जी। बोलो हो रूपाचला पोरू अमिए उबिदार बे नाड़ीदा, हो रूपाचला पोरू अमिए उबिदार बे नाड़ीदा, बोलो हाँ के लिए डरू रे हमिए गोरु खे नाई डेऊणे, हाँ के लिए डरू हमिए गोरु खे नाई डेऊणे। बहुत बड़ा हिट है ये आपका जी जी, ये बहुत ट्रेंडिंग में चला गया आजकल। हाँ, अभी भी रील्स बहुत बन रही हैं इसके ऊपर। जी जी, बहुत ही बढ़िया जी जी। ये जब नेगी जी के पास आपने पहली कैसेट रिकॉर्ड करी थी जी जी, कितने पैसे लिए थे नेगी जी ने? नेगी जी ने लिए जी इसके मेरे से, मैंने उनको दिया जी 10,000 रुपया 2009 में। 2009 में लास्ट कौन सी करी उनके साथ? चांद के पार। उसका कुछ सुना दीजिए। बुलखूं देरो नगरा मेरो बड़ो गेरा, ताशुलस बांधा कड़े कुपड़ो जाओ, हो सेड़ुआ सेनेरमा कुपड़ो जाओ। समझ मुझे कुछ नहीं आया जी 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 जी। मेलोडी बड़ी अच्छी लगी और आपकी गायकी बड़ी अच्छी लगी जी जी। आपने वो भी गा रखा है ना, सिलदारा चैतरामा? जी 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 जी, मैंने जस्टा जी का भी सुना था जी 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 जी। वो ट्रेडिशनल गाना है क्या? ट्रेडिशनल गाना जी जी जी। अच्छा, तो जी, सुना देंगे इसको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बोलो डोलदा नहीं बोलो डोलदा मारे मासूरा किला, सिलदारा चैतरामा मासूरा किला, बोला थोड़े रोई अबे दिलो दी मारा टबरो नी मिला, सिलदारा चेतरमा टबरो नी मिला। वेरी नाइस। आजकल आप दिखते हैं सरगम स्टूडियो ठियोग में जी 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 जी। आजकल आप काम कर रहे हैं राजीव नेगी जी के साथ जी 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 जी, तो बताइए जरा आप उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। राजीव नेगी जी का काम करने का अंदाज कुछ अपना अलग है जी, सुरेंद्र नेगी जी का कुछ अपना अलग है, लेकिन दोनों अपनी जगह महारत है जी, किसी की तुलना किसी से नहीं कर सकते जी। नहीं, मैं दोनों की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिकली राजीव जी की बात कर रहा हूं। नहीं, राजीव जी की अब देखो एक छोटी सी 2 पंक्ति निकाली, राजीव जी ने धमाल मचा दिया, मैं खुद परेशान हो गया क्या हो गया है। कमाल है जी, मजा आया काम करके, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। कभी दिल टूटा आपका? कभी इस फील्ड में सर मैं गया नहीं, कभी इस लाइन में गया नहीं। मेरी 99 में मैरिज हुई, उसके बाद मेरे पास भगवान ने एक ऐसी जोड़ी दी मेरी वाइफ की, जिनके बलबूते से मैं आज चलता हूँ जहाँ भी चलता हूँ, लेकिन मेरे लाइफ की सुपर हीरो है। तो अब वाइफ का आप कह रहे हो बहुत ज्यादा सपोर्ट है जी जी। चलिए इस बारे में बात करूंगा अभी जी जी, उससे पहले आता हूँ फिर आपका एक गाना है जी जी कि मुझे छोड़ के मत जाना, समथिंग कुछ तुम हो ये छोड़े समथिंग, वो कैसे लिखा था? वो पता क्या एक्चुअली सर, मेरा एक्चुअली थोड़ा जैसे शुरू में मैरिज होती है जी, तो छोटी छोटी नोक झोंक चलती रहती है मियां बीबी आपस में, छोटी छोटी बातों पे, घर घर की कहानी, घर घर की कहानी है जी। तो मेरी भी थोड़ी थोड़ी नोक झोंक होगी, तो वाइफ चले गई पेवके। सच में? सच में हाँ। तो मैं परेशान हो गया, मैं इतनी छोटी बातों पे मैं कब पेवके में, मैंने गाना लिखना शुरू कर दिया। दरअसल आपसे मैं बात कहूँ तो जो वो चांद कहाँ कैसेट थी, उस कैसेट में मैंने वो गाना डाला, और उनकी एब्सेंस में मैं गया हाँ। वाइफ गए थे उधर हाँ। तो उनकी एब्सेंस में मैंने वो गाना रिकॉर्ड कर दिया। जब वो गाना रिकॉर्ड किया तो उसके बाद मैं ससुराल गया, मैंने उनको बता दिया कि मैंने आपके ऊपर इस तरह गाना लिख दिया भाई एक, बोला सुनाओ कैसा, फिर मैंने कहा तो उसमें कुछ मेरे को जुड़ने में कुछ नहीं आया, कुछ मैंने अलग ही जोड़ दिया सही ना, लोगों ने उसका पता नहीं क्या हो गया कि भाई पता नहीं क्या हो गया, उसमें मैंने ऐसा ही जोड़ दिया, कहीं जैसे मान लो किसी का संदूर भर दिया क्या, वो मैंने ऐसा ही गाना पूरा करने के लिए जोड़ दिया था। हाँ जी हाँ। बस चंद दिनों के बाद हम इकट्ठे फिर से मैं बोलूं जी जी वापस आए जी जी जी, उस गाने को जी 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 सुन के जी जी, जो नाराज होके चले गए जी जी जी। अरे बाप रे जी जी जी, अरे क्या बात है, रियल स्टोरी है ये जी जी जी, रियल और राइटर की खुद की स्टोरी है। जी 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 जी, क्या बात है। जी। उसके बाद फिर वापस तो नहीं गए? नहीं सर। बाकी नोक जोक तो चलो हर घर घर की कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हाँ जी जी। तो अगर आप ये नहीं सुनाएंगे ना जी तो मजा नहीं आएगा। कोई बात नहीं, सुनाएंगे सर सुनाएंगे। मम्मा ये क्या छोड़ा मेरा हाथों है बेतों की छोड़े ना, है बेतों की छोड़े ना, बाटो है बेतों की छोड़े ना, बोलो है कि दूजेरी बे कसमो खाई थी, है कि दूजेरी बे कसमो खाई थी, बारी उम्री रिताई, हापू लोड़ा तो चढ़दा सूरज, हापू लोड़ा तो चढ़दा सूरज, मुखी डाली तो छाई, हेबे तो किंगी छोड़े ना, हेबे तो किंगी छोड़े ना, बाटो हेबे तो किंगी छोड़े ना। ये गाना था सर। आपने जितनी भी अभी तक मुझे नाटियां सुनाई है, गाने सुनाए ना, जी जी जी, जितनी एक्साइटमेंट मुझे इसमें दिखी ना आपकी गाते टाइम पे, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइफ स्पेशली सुनेगी इस वाले गाने को, मैं अच्छे से परफॉर्म कर लूं इस वाले को, नहीं तो घर जाके क्लास लगेगी, मैं चली जाऊंगी। जी 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 जी, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, कल वो फेसबुक लाइव में, एक नाम नहीं मुझे पता, भाई साहब एक लिख रहे थे कि जब मैं छोटा होता था तो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, जी जी, और वो लड़की मेरे से काफी बड़ी थी, जी जी, फिर उसमें उसकी शादी हो गई, जी जी, तब मैं फिर आपका ये गाना सुना करता था। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत ऐसे लोग होंगे, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी। हाँ जी, जी, जी। और जो भी ये अपना पॉडकास्ट देख रहे हैं अभी यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर में क्लिप में देख रहे हैं, आपकी कौन सी स्टोरीज थी इनके गानों से रिलेटेड, इनके गानों के साथ कौन सी आपकी स्टोरीज एसोसिएटेड है, यूट्यूब में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। जो भी बास्ता जी के फैंस हैं, बास्ता जी पढ़ेंगे उन सब कमेंट्स को, जी जी, उनको भी पता चलना चाहिए भाई। जी जी। आप कह रहे हैं आपका सपोर्ट सिस्टम है आपकी वाइफ। जी जी जी। एक्सप्लेन कीजिए इसको। जी जी। जो भी काम कहीं भी मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है, मैं उनसे शेयर करता हूँ बात की मेरे कैसा, तो सबसे पहले वो उसका सोल्यूशन वो निकालती है। अच्छा। यहाँ से। अभी छोटी सी बात है, मैं रिकॉर्डिंग करके घर गया, मैं मास्टर लेके गया तैयार करके घर, जी, तो मैंने उनको सुनाया, उन्होंने सुना गाना, बोला सुनाओ जरा क्या क्या है गाने इसमें, मैंने सारे गाने सुनाए, उन्होंने बाकी कुछ नहीं बोला। वो जो पहले गाना जिसकी रील डाली है, उन्होंने ये बोला कि भाई इस गाने को आप थोड़ा लंबा करो जी, क्योंकि लोगों की मज़ा खराब होगी, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में चला आया गाना, अब लोग भी इसको सुनना चाह रहे हैं। तो मेरे को दूसरे की तीसरे दिन मेरे को स्टूडियो भेज दिया वापस रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं आया, मैं रिकॉर्ड किया, फिर उसमें ऐड की 2-3 पंक्तियाँ और ऐड की मैंने, तो गाने को थोड़ा लंबा किया। तो अब जाके मतलब मानना पड़ेगा, मतलब सेंस बड़ी जबरदस्त है उनकी। जी 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 जी। एक चीज मुझे जाननी थी, आप वीडियोस में खुद एक्ट करते थे ना? जी जी। काला सा चश्मा लगा के और वो देख रहे थे कुछ वीडियोस। जी जी जी। कैसा एक्सपीरियंस था पहली बार? वो पहली बार ऐसा, तो शौक भी था कि मैं इस तरह आऊँगा, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी वो चलती थी, वीडियो चलती थी, उसकी शूटिंग हमारे उधर देहरादून में हुई थी, चक्राता साइड हुई थी, कई जगह का नाम है चक्राता। जी जी। जौनसार में आता है। जी जी। तो वहाँ हुई थी शूटिंग, तो हम 2 कैमरामैन थे, तीसरा मैं था, हमारे पास मैन रोल करने वाला कोई नहीं था, तो मैन हीरो हम ही 3 बन गए। कौन सा गाना था ये? चुंकी पृथ्वी वाला। अच्छा। हाँ, उसको रुगाडर रोशनलाल वाला, वो सारे वो चांद कहाँ का, वो पूरा वॉल्यूम वहाँ शूट किया हमने। अच्छा। आप जब खुद गाने सुनते थे जी, तो आपने बताया कुछ कुछ आर्टिस्टों के नाम बताया जिनके साथ, जिनसे आप इंस्पायर हुए हैं। शांति देवी जी का नाम आपने जिक्र किया, 1-2 नाम आपने और जिक्र किए थे। जी जी जी। और कौन से आपके साथ के कुछ सिंगर्स हैं जिनके साथ आपने काम किया? देखो जी, हमारे बिकी चौहान जी है। अच्छा। बहुत अच्छे सिंगर हैं जी, मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, उनकी गायकी मेरे को बहुत पसंद है। क्या बात है। कुलदीप शर्मा जी, जी, उनका कुछ अपना अंदाज है, जितनी इन लोगों की तारीफ करे उतनी कम है। हमारे किशन वर्मा जी, ये 3 सिंगर हिमाचल में ऐसे है, इन 3 सिंगरों को मतलब गायकी ही नहीं बल्कि इनके अंदर इंसानियत भी कुछ अलग तरह की है। जी। अच्छा जी जी जी। देखिए, मैं 2 लोगों से तो मिला हूँ। जी जी। किशन वर्मा जी से मैं मिला हूँ, उनसे बातचीत भी होती रहती है, कुलदीप भाई से भी अभी कुछ टाइम पहले बातचीत होनी शुरू हुई है, काफी अच्छा मेरा भी एक्सपीरियंस रहा। बिकी भाई से मिलना नहीं हुआ है, आई होप। कोई बात नहीं, आ जाएंगे आ जाइए बिकी भाई जी, आप देखेंगे किस तरह के इंसान है। चलिए, इनकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ, और बाकी भी चलो अब अपनी जगह सारे सही है, लेकिन कुछ एक ऐसे भी है जो कि शायद हमारे को इंडस्ट्री में नहीं देखना चाहते हैं। अच्छा जी जी। हिमाचली कलाकार हमारे ऊपर स्टूडियो में अटैक तक किया गया है। क्या बात कर रहे हो? जी जी। कब की बात है? ये बात है सर 2015 या 16 की बात है। अच्छा जी जी। स्टूडियो में पुलिस तक पहुंची है। ओह जी जी। तो मेरा उनसे ये कहना है, मैं तो सिर्फ एक कल्चर के लिए आया हूँ कि कल्चर को, अपना कल्चर जितना उठा सकूँ, कल्चर को उठाने के लिए आया हूँ कि भाई चलो हमारा कल्चर लोगों के पहुँचे। तो मेरा उन लोगों से, मैं उनकी ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा किसी से जी। बाकी सब अच्छे हैं, अपनी जगह बहुत अच्छे हैं जी जी। जो मैं आज यहाँ इस इतने बड़े मंच पे बैठा हूँ हिमाचल पॉडकास्ट के, तो ये सब मैं अपने फैन की वजह से बैठा हूँ। जो मेरी वापसी हुई है तो ये मैं अपने, इसका श्रेय सारा मैं अपने फैंस को देता हूँ। आपके लिए मैं जितना भी बोल सकूं वो मेरे लिए कम है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। आपका किस तरह से मैं आपका धन्यवाद करूं, अपने फैंस लोगों का। बहुत दुख हुआ है सुन के जो आपने बात बोली कि अटैक हुआ एंड ऑल। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स कि क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, क्योंकि वो बहुत वैसे वाली चीज़ हो जाएगी। जी जी जी। बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए जी जी, इस तरीके की चीज़। अब पूरी स्टोरी मुझे भी पता नहीं है जी जी, ना मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में जाऊँगा जी जी। एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ जी जी, वाकई में आपके फैंस आपको बहुत चाहते हैं जी जी जी, मैंने देखा है जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं उन फैंस लोगों का। बाकी इतने सालों से आप अपने रोडू के कल्चर को, अपने जो कल्चर है आपका वहाँ का, उसको आप कल्टीवेट करते आ रहे हो जी जी, और लोग आपको और ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहते हैं जी जी। आप प्लीज़ बहुत सारे गाने निकालिए जी जी जी। बाकी ये उतार चढ़ाव ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं जी जी जी। ये चीज़ें मैटर नहीं करती जब आपका काम बोल रहा होता है जी जी जी। जब आपका काम बोलता है तो फिर आपको फिर शोर नहीं करना पड़ता जी जी जी। शोर अपने आप हो जाता है, आपके जी जी चाहने वाले कर देते हैं जी। एक चीज़ और सामने में आई थी मेरे उसमें कि आप इतने टाइम से गायब कहाँ थे? जी देखो, मैं 2019 से गाना बंद कर दिया था। गाना 2019 के बाद मैंने जब देखा कि मेरे दशकों पहले गाए गाने लोग आज इंस्टाग्राम से और फेसबुक के रील्स बना रहे हैं, तो आज जो है मिलियन पार कर चुके हैं मेरे गाने। तो मैं चाह रहा कि भी लोग क्या चाह रहे हैं, अपना कल्चर मांग रहे हैं। अब आजकल आप देख रहे हैं आज के दौर में कौन से गाने आ रहे हैं, पहाड़ी को हिंदी में मिश्रण हो रहा है, पहाड़ी का पंजाबी में मिश्रण हो रहा है। आर्टिस्ट लोग जो है अपनी ख्याति पाने के लिए कि हमारे को प्रदेश से बाहर भी जाने लोग, इस तरह जो है कल्चर पर असर डाल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई नहीं, मेरे को अपने कल्चर बचाने के लिए फिर आना पड़ेगा, कल्चर को उठाने के लिए भी हमारा कल्चर जो लुप्त होता जा रहा है इसको फिर से उजागर किया जाए। तब जाके मैंने 2024 में फिर से वापसी की है। तो वापसी की है, मेरा एक सवाल है बड़ा जी जी जी। वापसी की है नेगी जी के साथ की है जी जी, राजीव जी के साथ जी जी जी, वो अच्छी बात है। सुरेंद्र जी के साथ भी कोई गाना नेक्स्ट अभी अपकमिंग करेंगे, कुछ है जी? मेरा तो देखो जी, अब कोई बात, मेरा लिए तो दोनों बराबर है। सुरेंद्र नेगी भी ऐसे है, राजीव नेगी जी भी ऐसे है। बढ़िया ठीक है। मैं कभी, मैं सुरेंद्र नेगी जी अभी व्यस्त थे कहीं, तो क्योंकि मैं तुलना तो किसी कर नहीं सकता, दोनों महारत थे अपनी जगह। तो सुरेंद्र नेगी जी अपनी कहीं बिजी थे, कहीं घर के काम में बिजी हो गए, तो कोई बात नहीं, मैं राजीव नेगी जी के पास चले गया। अच्छा जी अच्छा। मैंने उनसे रिकॉर्ड कर दिया। बढ़िया। हाँ जी, मेरे लिए तो दोनों बराबर है जी। नहीं नहीं, वो तो ठीक है जी, मैं जी, तो जैसे इसलिए पूछूंगा, आपने इतने सालों से इतने गाने आपने नेगी जी के साथ किए जी जी, तो एक बार होता है ना बाय डिफॉल्ट बंदा एक तरफ उस तरफ ही जाता है, तो जी जी नहीं। पर ऐसा भी नहीं है कि आप नए ऑप्शन तरफ नहीं जाते हो, ऐसा भी नहीं है। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि नया कुछ और आएगा, उनके साथ भी आएगा कभी? आ सकता है जी। अच्छा। इसका कोई नहीं, आ सकता है जी। बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया जी जी। कल एक कॉमेंट आ रहा था बार बार जी जी, IPL कौन जीतेगा जी जी जी, मैं समझ नहीं पाया। अब ये तो जी वो जाने पर, IPL तो हम तो एक क्रिकेट पे लेते हैं IPL को। अब IPL होता जी, अब वो खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर होता है। हाँ। IPL मैच खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर होता है मेरे हिसाब से, कि भाई टीम का कितना योगदान रहता है, कौन सी टीम जीतती है, क्या रहती है। अब हमारे IPL के बारे में अब लोग क्या जानते हैं, क्या सोचते हो, तो अब उनके ऊपर ही डिपेंड है सारा। हाँ। अब IPL में वो किसको अपना खिताब देते हैं। अच्छा जी जी। अब तो उनके ऊपर ही, ऑडियंस के ऊपर ही छोड़ते हैं जी, अब IPL का खिताब किसको देते हैं मेरे हिसाब से। अच्छा जी। एक आपका गाना है जी मलकू धार टू धार कुछ ऐसा, एक धार से दूसरी धार, क्या है वो? जी जी जी, ये मलकू चलता सी किसी जमाने में, जैसे कहीं पशु के पास जा रही है लेडीज या जेंट्स तो एक दूसरे को संबोधित करती है मलकू द्वारा, तो वो गाते हैं उनके लिए, वो गाते हैं उनके लिए, लड़की की तरफ से इधर जाता है और लड़के की तरफ से इधर से आता है। कैसे होता है? हाँ, बोलो टीरो निकले बेटी रुमाये हाजानो टो बाड़ू थोड़ी गोड़ी मेरा मोली को सुनो लेकिन बठना गाऊ बोलो एट मेरी आबे मोली के रामा एट मेरी आ ठिंडा पाने बोरी दो बे खाडो दो मुख तो हाफी के इने पिंदा बोलो तेरे सातो खीबे खानी माइए दुई पकड़े कानो जूठे देने तो हाथोरे दोरिमो जूठे किए जे मनो। ये मालकू है जी। क्या कह रहे हैं आप दूसरे को? ये कह रहे कि भाई तेरे साथ के लिए दोनों कान पकड़ती हूँ, तेने झूठे धर्म दिए झूठी तेने जुबान की है। अच्छा, हाँ, इस तरह का भाव इसमें। और वो क्या कह रहा है? वो भी कह रहे हैं कुछ उनके लिए, मतलब अलग अलग मैंने थोड़ा हटके गाया ना, कुछ स्टेंजा अलग गाया कुछ अलग गाया, मतलब सीक्वेंस में नहीं लाया मैंने। ऐसा क्यों करते हैं आप? अब जो जुबान पे आ गया ना मैंने वही गाया। चीजें ऑलरेडी हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, आप और कॉम्प्लिकेट करके चले जाते हैं, हम सोचते रह जाते हैं अच्छा इसका क्या मतलब हुआ। जी जी जी, बढ़िया। एक गाना आपका और उसकी बड़ी फरमाइश आ रही थी, नेगेटी है? हाँ, बीजू माई है नेगेटी है। खोड़े पत्थरे मुलाए नेड़े बीजू माई है नेगेटी है पूजे बोरी तना खाए तू बेड़े बीजू माई है नेगेटी है तेरे हाथों दा मोबाइल शोभो बीजू माई है नेगटी है मुँह लागो तेरी आखिरा लोभो बीजू माई है नेगटी है। जी जी गाना, क्या बात है। तो आपको सिंगिंग लाइन में प्रोफेशनली हो गए हैं ऑलमोस्ट 30 साल। 95 में किया था पहला? 95 में, जी जी, ऑलमोस्ट 30 साल हो गए। जी जी जी। सबसे इम्पोर्टेंट सीख आपको क्या, आपने क्या सीखी है पूरे अपने करियर में? बचपन से शुरुआत जहाँ से की है टच उसी में रहो, थोड़ा अलग करने का मैंने कभी सोचा नहीं है। जो भी गाता हूँ मैं कल्चर से रिलेटेड गाता हूँ, कभी कल्चर से हटने की कोशिश नहीं की। बहुत बढ़िया। जी जी, बहुत ही बढ़िया। इसी स्पिरिट के साथ आगे बढ़िया सर। जी जी, यही शायद यही है, इसीलिए लोग आपके साथ कनेक्ट हुए बड़े इतने टाइम से। जी जी जी। और वो सुनना चाहते हैं आपको, आप सुनाते रहिए उनको, गाने बनाते रहिए। अब तो मैं भी सुनूंगा। जी जी जी। आगे से जो भी आएगा, पुराने भी सुने मैंने कल परसों बैठ के, और भी सुनूंगा। जी जी। तो इस पॉडकास्ट को आज यही एंड करते हैं। जी 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 जी। जाते जाते एक गाना जो मैंने खुद सुन रखा था पहले भी, जी जी, पता नहीं था किसने गाया है। जी जी जी। वो सुना दीजिए, उसका नाम है ताराड़ी गेनू है जोथ लागे चानने बे लागे गेणी दे तार लाड़ी गेनुए लागे गेणी दे जोथ लागे चानने बे लागे ओ गेणी दे तार लाड़ी गेनुए लागे गेणी दे हमें हाजे पाउने बे तेरी ओ गोलोरे लार लाड़ी गेनुए तेरी ओ गोलोरे हमें हाजे पाउने तेरी ओ गोलोरे लारे लाड़ी गेनुए तेरी ओ गोलोरे। आप इसका मतलब बता पाएंगे वैसे? इसका सर अब मतलब का तो पता नहीं, अब क्या है, ट्रेडिशनल सॉन्ग है। ट्रेडिशनल सॉन्ग है। जी 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 जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये 2000 मजे की बात 2010 या 2011 का रिकॉर्डेड गाना है, तो आज लोगों ने इसको मिलियन पार पहुंचाया आज की डेट में। बहुत बढ़िया। जी जी। इसमें कम से कम 25,000 से ऊपर तो रिले बन गई इसमें। बहुत बढ़िया। तो अपने फैन से कुछ डायरेक्टली कुछ कहना चाहेंगे आप? फैन से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं आप लोगों के लिए, जितना प्यार आप लोग दे रहे हैं, आपकी बदौलत से मैं इतने बड़े हिमाचल पॉडकास्ट के मंच पे बैठा हुआ हूँ। ये आप लोगों की देन है जो मेरे को खींच के लाए आप लोग यहाँ। मैं आपके लिए, मेरे पास शब्द नहीं जुड़ रहे, मैं किस तरह धन्यवाद करूँ। आप लोगों का प्यार अगर मेरे को ऐसा ही मिलता रहे तो मेरा और हौसला बढ़ेगा अपनी संस्कृति को और बढ़ा चढ़ा के, मतलब अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपनी संस्कृति को मैं लुप्त नहीं होने दूंगा हिमाचल से, चाहे मेरे को जो मर्जी करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। थैंक यू। गाने बनाते रहिए। जी जी जी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।